Hello students, in the previous class we discussed about importance of chemistry और वहाँ पे हमने ये बात किया था कि अगर आपको एक अच्छा केमिस्ट बनना है या केमिस्ट्री की फील्ड में वर्क करना है सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? जब आप एक्चुअली मैटर का डिस्कशन करते हो, आप समझते हो कि मैटर एज अ होल है क्या चीज। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो दो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो क्या है कि आपका व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड सेकंड इज हाउ यू कैन क्लासिफाई अ मैटर, है ना, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ यू सी, अभी तक जो हमने क्लासेस में पढ़ाई किया है, जब मेरे आप वीडियोस सुन लेते हो उसके बाद ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली यू गो एंड हैव योर ओन नोट्स प्रिपेयर्ड, आप नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पूछा हो तो आपको एग्जामिनेशन में थ्योरी में आ सकता है कि एक्सप्लेन टू इम्पोर्टेंसेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको जो है नोट्स बनाओगे उसको एक्सप्लेन करोगे, अगर 2 मार्क्स का दिया है तो कैसे करोगे, 3 मार्क्स में पूछा है तो कैसे करोगे, सिमिलरली शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर के लिए आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भी क्या है, एक्चुअली एक थ्योरेटिकल पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डेफिनेशन आते हैं एंड कैसे और के जो है शॉर्ट नोट्स आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यू सी, जब हम लोग नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ मैटर, भाई ये मैटर क्या होता है। ठीक है, तो पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन अभी जो है फिर से मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं कि एनीथिंग which has mass and occupies space is what is called a matter। ठीक है, जैसे कि I can give you an example। ठीक है, क्या example है, मान लो कि मैं बोलता हूँ book या टेक्स्ट बुक। ठीक है, या मैं आपको क्या कहता हूँ, नोटबुक। ठीक है, या मैं आपको क्या कहता हूँ, पेन, या मैं आपको कहता हूँ पेंसिल। ओके, पेपर, चेयर, टेबल। ओके, सिमिलरली वाटर, एयर, है ना, ह्यूमन बीइंग्स, और आई कैन से ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये सब किस पे आ जाएंगे, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्यों एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखो एक मैटर की हम बात करते हैं तो मैटर में क्या आता है, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिनको अंडरलाइन करना है हमें। क्या है वो, एक है मास और दूसरा है स्पेस। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि भी कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज, एनीथिंग, अगर उसका कुछ मास है, ठीक है, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे बुक, बुक को किसी जगह पे रख दो तो क्या होगा, बुक थोड़ी सी आपको उसमें भार लगेगी जब आप बुक को हाथ में उठाओगे। ठीक है, अगर उसको किसी जगह पे रख दोगे तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जहाँ पे वो रखा होता है वहां पे दूसरी चीज आप रख नहीं सकते हो, बुक के नीचे या बुक के ऊपर आप रखते हो, है ना, बुक को रिप्लेस करोगे तभी वहां रख सकोगे। तो वैसे ही नोटबुक के साथ होता है, वैसे ही जहाँ पे पानी रहता है वहां पे दूसरी चीज रख सकते हो, या तो पानी के अंदर रखोगे या पानी पे तैरेगा, लेकिन पानी को हटाओगे तभी रख सकते हो। तो क्या हो रहा है कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वैसे ही पानी, अगर ग्लास लिए हो, ग्लास भी एक क्या हो गया, मैटर हो गया, लेकिन ग्लास में अगर पानी डालते हो तो अगेन उसका जो भार है वो बढ़ जाता है ना। तो देखो मैं बार बार भार कह रहा हूँ, मैं वेट नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि मास और वेट में डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं आपको आने वाले क्लास में बताऊंगा, मास और वेट बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसका वेट क्या है, ठीक है, उसका वेट क्या है, ऐसा क्यों कहते हैं, और मास क्या है ऐसा क्यों कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ये समझो कि विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो देखो हम लोग जब कहते हैं कि मास मतलब क्या है, उसका कुछ भार है। ठीक है, अब अगर वो भार है मतलब वो विदाउट, वो मतलब वो रिलेटिव भार नहीं है, वो एब्सोल्यूट, उसका जो भार होता है ना, वो भार जब हम बात करते हैं तो वो मास कहलाता है। ठीक है, उसका
आपको ना, आपको हाथ पे रखने के बाद एक पेन पेंसिल, अगर आप किसी एक किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को उठाओगे, उसका भी एक भार होता है ना। सो इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज द स्पेस। कोई मोटा व्यक्ति है तो वो ज्यादा स्पेस लेगा, पतला है तो ज्यादा लेगा, है ना। तो उसके बेसिस पे वो जितनी चीजें होती है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज मैटर। ठीक है ना। जब आपने मैटर समझ लिया, तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स ऑफ मैटर। लेट सी कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो जब हम लोग स्टेट्स की बात करते हैं, तो पहला आपके दिमाग में होना चाहिए कि दीज आर व्हाट, फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, नाउ जब हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्टेट्स, सो देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट्स। वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड, एंड थर्ड फिजिकल स्टेट इज गैस। ओके, तो अब सिंपल सी बात है भाई, ये तीन गैस, सॉलिड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये आप डेली के बेसिस पे आप देखते हो, है ना। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, अभी क्या है कि अगर एक बुक लेते हैं तो दैट इज अ सॉलिड। ओके, अगर आप वाटर लेते हो तो दैट इज अ लिक्विड, एंड अगर आप कहते हो कि एयर, तो वो क्या हो गया, गैस हो गया। ये तो ये क्या है, तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस के। लेकिन ये तो आपको बता दिया गया है ना, ये ठोस पदार्थ है, ये सॉलिड है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये लिक्विड है, तरल पदार्थ है, ये गैस है, ये उड़ता रहता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके कारण इसको गैस कहते हैं। तो वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या कैसे आप डिफाइन करोगे एक सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट, है ना। आपकी आंखें देख के बताती है ना कि एक चेयर जो होता है वो सॉलिड होता है। आपकी आंखें देख के बताती है कि जो पानी पीते हो वो क्या होता है, लिक्विड होता है ना। या जो तेल आप खाने के लिए जो ऑयल यूज करते हो, तेल यूज करते हो, लिक्विड होता है ना। तो ये क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे आप डिफाइन कर सकते हो उसको। ठीक है, तो अगर हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड की, तो यू सी, देखो जब भी हम सॉलिड लिक्विड गैस मतलब फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, जिसके थ्रू आप इसको डिफाइन करते हो, उसको कहते हैं पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स कैसे जो है, मतलब किस फैशन में जो है दे आर एक्चुअली प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता है। ठीक है, एक पार्टिकल्स मतलब मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, एक चेयर है तो चेयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स एकदम कंबाइंड, एकदम एक दूसरे से जो है ऐसे जुड़े होते हैं कि उनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि दे आर इन ऑर्डरली फैशन। ठीक है, दे आर इन ऑर्डरली फैशन, है ना। और एक और बात होती है कि नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना, नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तीन क्या क्या बातें बता दी। पहला बात मैंने आपको बताया कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। दूसरी बात क्या बताई कि दे आर फॉर्म्ड इन एन ऑर्डरली फैशन, है ना, पार्टिकल्स। एंड थर्ड व्हाट इज देयर, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अमंग दोज पार्टिकल्स। ठीक है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज आती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सॉलिड। ओके, दैट फिजिकल स्टेट इज नोन एज सॉलिड। अगर हम लोग तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, बुक का एग्जांपल ले लो, बुक में क्या होता है कि भाई बुक जो है वो बुक एक साथ रहता है। आप क्या करते हो उसको, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है ना कि आपको घूमते हुए नजर आते हैं, नहीं ऐसा नहीं। एक पेज होता है, बुक होता है, पेन होता है ना। तो वो क्या है कि पेन जैसा है वैसा ही है, पेन अपना शेप चेंज नहीं कर लेता है कि भाई जब तक खरीदोगे नहीं तब तक मैं एकदम बढ़िया वर्टिकल रहूंगा, और खरीदने के बाद भाई मैं डेली डेली शेप चेंज करूंगा, ऐसा नहीं होता है। जिस शेप में वो बना होता है, वो उसी शेप में हमेशा जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बिकॉज ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं उनके पार्टिकल्स की। अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करते हैं, तो देखो लिक्विड्स में पार्टिकल्स आर डेफिनेटली क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है,
एंड मूव अराउंड। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्या है यहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने क्या बताया, दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन मूव अराउंड। ठीक है, अभी यहाँ पे वेरी क्लोज से हम क्लोज पे आए हैं तो लिक्विड हुआ है, और नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से मूव थोड़ा सा मूव कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका लिक्विड हो जाएगा। से अगर हम लोग गैस की बात करते हैं तो दे आर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और यू शुड से वेरी फार अपार्ट, है ना, फार अपार्ट, दे आर फार अपार्ट, है ना। तो अब फार अपार्ट हम लोग कहते हैं तो किस किसके कंपैरिजन में करेंगे, कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, एंड मूवमेंट इज फास्ट, मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हमने क्या सीखी, एक तो दे आर फार अपार्ट, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, एंड सेकेंड मूवमेंट जो होगा वो बहुत इजी होगा और फास्ट होगा। ओके, सो इससे क्या समझ में आता है कि ये तीनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली जो डिस्टिंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो इसके टर्म्स में बता रहा हूँ, पार्टिकल के अरेंजमेंट के टर्म्स में बता रहा हूँ। मतलब अब हम लोग जो है ना केवल ऊपर से देख के नहीं बता रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, भाई उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ना। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जिबिटेड बाय द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। ठीक है, ये पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं उनका एक वॉल्यूम होता है और उनका एक शेप होता है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। ठीक है, सो शेप ऑफ लिक्विड फिर डिसाइड कैसे करोगे, सो शेप ऑफ लिक्विड आप किससे डिसाइड करोगे, इन द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड द शेप। सिमिलरली थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि द गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, मतलब जो गैसेस होते हैं उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है और कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अब क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि भाई भाई इनका अगर पता करना है तो उससे क्या होगा कि भाई ये जो गैसेस होते हैं ना, ये जो भी कंटेनर जिस कंटेनर में आप उसको रखते हो उसका जो है स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, तो उसका स्पेस ले लेते हैं, तो इससे आपको क्या पता चलता है, तीन। तो यहाँ पे फिर अगेन दो पॉइंट्स हमने क्या लिए हैं, एक वॉल्यूम की बात की है और एक शेप की बात की है। ठीक है, पहले मैंने क्या स्टेट्स ऑफ मैटर को किसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया था कि भाई उनका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो कैसा है, अभी मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम और शेप। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लो कि एक जो है क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग पार्टिकल के अरेंजमेंट की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, इस बॉक्स में जो तो पार्टिकल्स होंगे ना इनसाइड, ये क्या है, ये सॉलिड है ना, तो पार्टिकल्स एकदम कोई भी स्पेस नहीं होगा, जो आपको स्पेस दिख रहा है ये भी भरा होगा, कोई स्पेस नहीं होता है इसमें। ठीक है, बिल्कुल भी इनके बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं होती है, थोड़ी सी भी जगह नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो जगह नहीं होती है, इनका अरेंजमेंट जो होता है, मतलब कहीं भी जगह नहीं छूटना चाहिए, तो अरेंजमेंट जो होता है इस तरीके से होता है। इसके कारण क्या होता है, देखो इसका ना एक शेप होता है, जैसे अभी ये किस फॉर्म में दिख रहा है, स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है ना, इसका एक शेप है और इसका एक वॉल्यूम होगा, अगर स्क्वायर है तो उसका एक वॉल्यूम भी होगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो देखो, अगर हम लोग मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें अगर हमने क्या किया, वाटर डाला हुआ है,
तो उसके पार्टिकल्स की बात करते हैं ना, तो देखो वो जो है ना थोड़ा थोड़ा उनके बीच में गैप होता है। दे आर पार्टिकल्स, हमने क्या पढ़ा था कि दे आर क्लोज टू इच अदर, नॉट वेरी क्लोज टू इच अदर, मतलब हल्के फुल्के गैप्स होंगे उसमें, है ना। तो अभी क्या है कि इसका कोई पर्टिकुलर, इसका एक वॉल्यूम तो होता है, इसलिए देखो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, तो उसका एक वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन उसका शेप नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, पानी तो कैसे भी बहता है, करेक्ट, पानी का कोई शेप तो होता नहीं। लेकिन अगर हम लोग वही गैस की बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई गैस लेते हैं और ये एक सील्ड कंटेनर है, क्योंकि गैस को अगर सील्ड कंटेनर में नहीं रखोगे तो क्या होगा, गैस जो है वो उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें गैसेस में क्या होता है ना कि ये जो है दूर दूर होते हैं, बिल्कुल दे आर फार अपार्ट, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं। और ये ना क्या होता है, इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है। तो कंटेनर ये क्या करते हैं, गैसेस जो है वो उस उतना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितना आपका जो भी कंटेनर में आपने रखा है उसका जो भी स्पेस है वो स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली शेप, किसका शेप होता है, ग्लास में डालते हो तो ग्लास के शेप का जो सिलेंड्रिकल शेप है उसमें वाटर आ जाता है। अगर एक जो है आप सर्कुलर बाउल में डालते हो तो उसके शेप में हो जाता है ना। तो शेप जो है कोई डेफिनेट नहीं होता है लिक्विड का और गैस का, बट सॉलिड्स का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट यू मस्ट नो। नाउ देखो कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, सॉलिड को गैस में, लिक्विड में, या गैस को लिक्विड में, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पैरामीटर्स। तो एक पैरामीटर होता है क्या, टेम्परेचर, ओके, एंड सेकेंड जो होता है उसको कहते हैं प्रेशर या एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इनके बीच में वेरिएशन अगर करते हो, ठीक है, वो वेरिएशन हम लोग पढ़ेंगे आगे की टेक्स्ट बुक्स में, तो आपका जो है ना चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। तो अगर हीट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर लिक्विड को और हीट करोगे तो वो गैस बन जाएगा, ठीक है। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई, एग्जाम्पल अगर लें तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मान लो आइस है, आइस क्या है, सॉलिड होता है। आइस को थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल दो, है ना, तो उसका क्या है, एक टेम्परेचर होता है जिसपे आइस बनता है, बाहर निकाल दो कुछ देर के बाद हीट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो जो है वाटर बन जाएगा, ठीक है। और वाटर को रहने दो तो देखना क्या होगा, कुछ दिनों के बाद जो है उसको धूप में रख दो, है ना, वाटर को, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, वो जो है ना रहेगा ही नहीं, आपको दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वाटर जो है ना वो पिघल के वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है, वो क्या है ना हवा में चला जाता है, ठीक है, हवा में मिल जाता है, ठीक है, वो जो है अपने आप गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक एग्जांपल हुआ कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आपको कन्वर्ट करना है गैस को लिक्विड में, तो उसके लिए क्या करना होगा, उल्टा प्रोसेस करना होगा, कूल करना होगा गैस को, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, है ना। सिमिलरली लिक्विड को और अगर ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, क्या एग्जांपल हो सकता है भाई, आप अगर क्लाउड देखते हो तो क्लाउड क्या है, एक्चुअली मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसी से ऊपर क्लाउड बनता है ना। क्लाउड थोड़ा सा ठंडा पड़ता है तो क्या होता है, ये बारिश होती है ना। बारिश जो होती है वो किस पे होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होती है ना, वाटर के फॉर्म में होती है। फिर उसके बाद बारिश कभी कभी देखना ओले पड़ते हैं, है ना, वो क्या होता है, और ठंडा आ जाता है ना, तो वो आइस, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्नोफॉल कहते हैं, वो होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली क्या है कि वो सॉलिड के फॉर्म में बनने लगता है वो, है ना, कभी ओला बन जाता है, पत्थर गिरते हैं ऊपर से, है ना, और कभी क्या होता है वो स्नोफॉल के टर्म्स में, वो प्रॉपर सॉलिड नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है उसका जो स्नोफॉल, जो बर्फ गिरता है, वो सॉलिड ही एक्चुअली माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स थोड़े से और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड प्रोसेस ऑफ हीटिंग है हम लोग आगे समझेंगे, है ना।